और दोस्तों ये मेरे मुर्गी के अंडे जो इसमें लगे हुए थे, थोड़े से अंडे हैं वो। और अब मैंने ये वाले अंडे जो हैं इसमें लगाने हैं, ये 66 एग हैं। तो और ये वाले बटेर के अंडे लगाने हैं। तो मैंने एक इंक्यूबेटर और अभी रेडी कर दिया इसको, जो मैंने इसकी लास्ट टाइम वीडियो पोस्ट की थी किट के साथ, जो मैंने बनाया था इंक्यूबेटर। तो अब मेरे पास तीन इंक्यूबेटर चलेंगे ऐसे, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो दोस्तों दिक्कत आ रही है ऐसे छोटे छोटे इंक्यूबेटर बना के अब तीन इंक्यूबेटर चलाने। तो अब मैं मार्च में, मेरी प्लानिंग है कि एक बड़ा इंक्यूबेटर बना लूँ, जिससे मैं ये फिर इस दिक्कत से छुटकारा पा लूँगा। तकरीबन 2000 अंडे का इंक्यूबेटर जो है मैंने अब बनाना है, क्योंकि मुर्गी के अंडे भी लगाने होते हैं, बटेर के अंडे भी लगाने होते हैं, और हैचिंग के लिए हैचर अलग से रखूँगा मैं, जो लास्ट के 3 दिन एग जो जिसमें रखने होते हैं। एक साइड शटर बनेगा मेरा, एक साइड मेरा हैचर बनेगा। मैंने इंक्यूबेटर बनाया था किट के साथ, बनाया था ये किट लगाई थी इसमें। तो आज मैं इसमें एग रखने जा रहा था, मुर्गी के अंडे हैं मेरे पास। इसमें मुझे प्रॉब्लम आ गई, अंडे हैं ज़्यादा और मेरे पास इंक्यूबेटर्स जो हैं वो कम पड़ गए हैं। ये इसमें असील के और देसी मुर्गी के अंडे हैं, अब ये थोड़ा सा स्पेस इसमें बचा है। और ये एक ट्रे मैंने और लगानी है अभी देसी की, ये भी देसी के अंडे हैं। इससे पहले जो मेरा इंक्यूबेटर एक जो है बुक है, वो बटेर की हैचिंग में चल रहा है, अभी चिक वगैरह निकल रहे हैं इसके, कुछ चिक निकल चुके हैं, कुछ निकल रहे हैं। तो और एक इंक्यूबेटर जो है मेरा, इसमें मेरे 12 एग लगे हुए हैं, तो इसमें ये रुक गया है, क्योंकि इसमें अलग डेट के मैं एग लगा नहीं सकता अलग। हालांकि ये इंक्यूबेटर काफ़ी खाली पड़ा है, पर इसमें अलग डेट के अंडे मैं लगा नहीं सकता अभी। तो ये जो टोटल मेरे पास देसी अंडे आए थे, ये 66 एग जो है एक आए थे मेरे पास किसी से लगाने के लिए, और इसमें 20 एग जो हैं देसी के अलग से आए थे किसी के। 20 और 66 हो गए अपना 76, 86 एग, और 12 एग जो है वो असील के हैं। तो टोटल 98 एग हो गए हैं। तो 98 एग जो है इसमें नहीं लग पा रहे। इस इंक्यूबेटर की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पानी वगैरह का बर्तन रख के हम मान के चलें, तो 70 एग की कैपेसिटी है। ह्यूमिडिटी मीटर भी रखना है, एग को टर्निंग भी करना है, पानी भी रखना है। तो ये जो मच्छी वाला बॉक्स है, इसमें 70 एग तक ही आता है। अब मुझे एक बड़ी मशीन बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह का जब काम कर ही रहा हूँ मैं, एग भी आ रहे हैं मेरे पास बाहर से लगाने के लिए, तो अब मुझे मशीन का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। मुश्किल से डिसीज़न लिया मैंने। मैंने इसमें 98 एग लगा के देखे, तो इसमें पानी निकालने के बाद भी एग टर्निंग करने की जगह नहीं बची थी बिल्कुल भी, फंस गए थे सारे एग। तो अब मैंने क्या किया, इसमें से 20 एग जो हैं वो अलग से देसी के निकाल लिए। तो अब इसमें थोड़ी सी ये स्पेस बन गई है, ये ऐसे टर्निंग करने के लिए। तो अब ये टर्निंग हो जाएगा। तो 20 एग जो है मैं इस इंक्यूबेटर में लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें स्पेस है। हैचिंग के टाइम पे मुझे फिर एक हैचर अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 12 एग हैं इनका हैचिंग टाइम अलग से है। उस टाइम फिर उसमें दूसरे एग होंगे, तो उससे दिक्कत आएगी। तो ये 12 एग जो है मैं हैचर में फिर अलग से शिफ्ट करूँगा। इसमें लगा दिए मैंने 20 एग, वो लगा दिए देसी के, और 12 एग जो है मेरे पहले के पड़े हैं इसके अंदर। बस प्रॉब्लम यही आती है कि एक बारी बाहर के जब एग ठंडे वाले लगाते हैं, तो इंक्यूबेटर ठंडा हो जाता है। ये काफ़ी देर से अभी तक 37.7 पे नहीं पहुंचा,
तकरीबन इसको 4-5 मिनट हो गए हैं, क्योंकि एग ठंडे लगाए हैं बिल्कुल, तो बहुत धीरे धीरे टेम्परेचर उठ रहा है, नहीं तो एकदम से टेम्परेचर उठ जाता है। तो ये जो 12 एग लगाए हैं इनका फिर ऐसे रिस्क रहता है कि इनको ठंड ना पकड़ दे कहीं, क्योंकि एक बारी हो चुका है मेरे साथ ऐसे। उस टाइम मैंने ऐसे कहीं से ठंडे एग लगा दिए थे बीच में, तो पिछले एग जो रखे हुए थे वो सारे डेड हो गए थे। चलो देखते हैं, अब मेरी मजबूरी है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, अभी मुझे लगाने थे एग। तो अब जो है इसके अंदर जो है मैंने बाकी के एग इसमें लगा दिए हैं, असील और देसी के। तो ये दोनों मशीनें मेरी अब चालू हो गई हैं, ये वाली भी चल रही है और इस वाली में जो बटेर का है चोरा है, ये वाली फिर मैं अब कल तक इसकी एग की वेट करूँगा। जो जो एग रह गए हैं इसमें, कुछ खोल हैं इसमें एग के, कुछ एग साबुत हैं, तो अभी तक तो मेरे पास सारा ही 100 के आसपास चिक आया है। जो 150 अंडा तकरीबन तकरीबन मेरा अभी ख़राब ही शो हो रहा है। ये चिक मैंने नीचे ब्रूडर में शिफ्ट कर दिए थे, सारे चिक एक्टिव हैं, खा पी रहे हैं। बस प्रॉब्लम यही आ रही है, अब जैसे ये 200 अंडा स्टोर हो गया मेरा, तो इतना अंडा जो है स्टोर मैं 10 दिन से ज़्यादा नहीं करना होता, 20-20, 22-22 दिन का, 24-24 दिन का अंडा मेरे पास स्टोर हो रहा है, तो उस वजह से अंडा मेरा ख़राब हो रहा है। और एक मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है, इसमें ऑटोमेटिक एग टर्नर वगैरह लगाने हैं, तो उसके लिए फिर मैं मशीन अलग से ही बनाऊंगा, जिसमें कि ये सारा जो है मेरा सिस्टम एक ही मशीन में आ जाएगा। अब तीन तीन इंक्यूबेटर चल रहे हैं, नीचे ब्रूडर लगा हुआ है, सारा ही जो वर्कशॉप का स्पेस जो है मेरा वो ख़त्म हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था, मैंने जो एग लगाए हैं वो थोड़ा सा अपना सेटअप का अपडेट दिखाना था, जैसे मेरे चिक्स वगैरह निकले हुए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।